हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के द्वारा इंग्लिश के जो स्पेलिंग के रूल्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए, सभी क्लासेस के लिए यूजफुल है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो वोकेबलरी आपकी आती है, तो वोकेबलरी में क्या होता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको फोर ऑप्शन दे दिए और कहा जाता है कि पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी सही स्पेलिंग वाले वर्ड को आपको पिक आउट करना होता है। और कई बार क्या होता है, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड को आपको चूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, और कैसे आपको पता चलेगा कि किसकी स्पेलिंग सही है? तो इन रूल्स के द्वारा जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, तो इन रूल्स के द्वारा आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ताकि आप ये पहचान सकें कि किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है और किस वर्ड की स्पेलिंग रोंग है। तो आसान तरीके से उदाहरण सहित मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप लोग निश्चित रूप से यदि इसको पूरी वीडियो को देखेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं स्पेलिंग रूल्स, ईजी वे टू मास्टर इंग्लिश स्पेलिंग। इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, ईजी वे टू मास्टर इंग्लिश स्पेलिंग। इंग्लिश स्पेलिंग में आप अच्छे से मास्टरी आप कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं। इंग्लिश स्पेलिंग रूल वन क्या होता है, व्हेन ए वर्ड एंड्स विद ए शॉर्ट वोवल फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ई डी। यानी यदि कोई वर्ड शॉर्ट वोवल से एंड हो रहा हो और उसके बाद में कॉन्सोनेंट दिया हो, या हम ये कह सकते हैं कि किसी वर्ड के बाद में यदि कॉन्सोनेंट दिया और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल दिया है, तो जब हम उसमें ई डी ऐड करते हैं तो ई डी ऐड करते समय वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे देखिए, द गर्ल्स स्किप, स्किप यानी बाद में दिया पी और पी से पहले क्या दिया, आई। तो आई जो दिया हुआ है पी से पहले, तो पी चूंकि कॉन्सोनेंट है उसके पहले आई दिया हुआ है, तो कॉन्सोनेंट और उसके पहले वोवल। तो जब हम इसको इसमें ई डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब हम इसमें ई डी जोड़ने की करेंगे तो ये पी डबल हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखे, ड्रॉप, ड्रॉप में जब हम ई डी जोड़ेंगे तो पी डबल हो जाएगा। इसी तरह से देखें हम एडमिट, एडमिट में यदि ये स्टूडेंट्स कई बार पूछा जाता है वर्ड एडमिट, यदि हम एडमिट में ई डी जोड़ेंगे तो ये एडमिटेड यानी टी डबल हो जाएगा। इसी तरह से अकर, अकर में बाद में आर दिया है लेकिन आर से पहले यू दिया हुआ है, जब इसमें हम ई डी जोड़ेंगे तो ये आर भी डबल हो जाता है। इसी तरह से हम देखें ट्रिम, ट्रिम में यदि एम दिया हुआ है लास्ट में उसके पहले आई दिया हुआ है, यदि इसमें हम ई डी जोड़ते हैं तो एम डबल हो जाएगा। इसी तरह से शॉप, शॉप में पी दिया हुआ है लास्ट वर्ड और पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और पी से पहले जो दिया हुआ है ओ दिया हुआ है वो वोवल है, तो जब हम इसमें ई डी जोड़ेंगे तो पी डबल हो जाएगा, शॉपड। और इसी तरह से फ्लिप, जो फ्लिप दिया हुआ है जब हम इसमें ई डी जोड़ेंगे तो चूंकि बाद में पी दिया हुआ है और पी से पहले आपका क्या है, पी से पहले दिया हुआ आई, तो यानी बाद में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल दिया होता है, तो इस तरह के वर्ड्स में जब हम ई डी जोड़ते हैं तो जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। यानी फ्लिप को जब हम फ्लिप्ड करेंगे तो पी डबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और जो मैंने आपको नीचे दिया है इनके बारे में आप ट्राई करेंगे, ट्रिप, मॉप, सबमिट, ट्रॉट, रब और प्रेफर, इनके बारे में आप कोशिश करेंगे, इन्हें खुद से करके देखें। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका रूल वन। देखिए सेकंड रूल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड रूल की जहाँ बात आती है, व्हेन एक्शन वर्ड्स एंड विद एन एस एच, सी एच, एस एस, एक्स और ए जेड एंड ई एस इज एडेड टू मेक द प्रेजेंट टेंस, तब हम क्या करते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस जोड़ते हैं, या हम ये कहें कि इसको हम प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए भी और उसमें प्रेजेंट फॉर्म बनाने के लिए भी हम उसमें ई एस जोड़ते हैं, ना कि एस जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, एस जोड़ करके भी सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म बनाते हैं उसकी, तो सिंगुलर में हम एस ई आई एस लगाते हैं प्रेजेंट फॉर्म में। तो यहाँ यदि वर्ड के बाद में एस एच दिया हुआ है, एस एस दिया हुआ है, एक्स दिया है या जेड दिया है, तो जब हम उसकी भी
प्रेजेंट टेंस फॉर्म बनाते हैं या उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्रॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस में क्या दिया है बाद में, डबल एस दिया हुआ है, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे क्रॉसिस कर देंगे हम। वैक्स के अंत में क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। और फिश के अंत में भी क्या दिया है, एस एच दिया है, तो हम इसको जब हम प्लूरल फॉर्म में लाएंगे तो फिशिज हो जाएगा। ऐसे ही देखिए कैच, कैच के अंत में क्या दिया, सी एच दिया हुआ है, तो इसको भी हम कैचिज करेंगे। रिलैक्स के अंत में क्या दिया, एक्स दिया हुआ है, और जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में यानी या प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सिस हो जाएगा। इसी तरह से रीच दिया हुआ है, और रीच को जब हम प्रेजेंट फॉर्म में लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रीचिज हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ देखें, किसी में भी एस नहीं लगा है, सब में क्या लगा है, ई एस लगा है। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं इनको आप खुद ट्राई करके देखें और देखें कि ये आपका सेकेंड रूल, स्पेलिंग रूल सेकेंड फॉलो होता है या नहीं। थर्ड रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड रूल में क्या है, व्हेन एन एक्शन वर्ड एंड्स विद ए कंसोनेंट फॉलोड बाय ए वाई, चेंज द वाई टू एन आई बिफोर एडिंग ई एस। यानी कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में वाई दिया हुआ है और वाई से पहले क्या है, कोई कंसोनेंट दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, वर्ड के अंत में वाई दिया है लेकिन वाई से पहले कोई कंसोनेंट दिया हुआ है। अब यदि ऐसे वर्ड में आपको ई एस जोड़ना होता है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वाई को हटा करके उसके स्थान पर आई लगाना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि वाई को रिमूव करके उसके स्थान पर आई ई एस जोड़ करके हम उसको क्या करेंगे, प्लूरल बना सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म बना सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए, एम्प्टी, बाद में क्या दिया, वाई दिया है लेकिन वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट कौन सा है, टी। तो एम्प्टी को जब हम प्रेजेंट फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। इसी तरह से ट्राई, देखिए ट्राई में वाई दिया हुआ है और वाई से पहले क्या है, आर, तो वाई हटा करके हमने आई ई एस ट्राइज कर दिया। इसी तरह से कैरी, कैरी में वाई दिया है लेकिन उसके पहले क्या दिया है, आर दिया है, तो वाई हटा करके हमने आई ई एस जोड़ दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, टाइडी, अब टाइडी में वाई हटाएंगे, वाई से पहले डी दिया हुआ है तो वाई और वाई से पहले कंसोनेंट है, तो वाई रिमूव करके हम क्या कर देंगे, वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ देंगे। ऐसी कॉपी देखिए आप, कॉपी में वाई दिया है लास्ट में लेकिन वाई से पहले हमने क्या देखा, पी दिया हुआ है, पी क्या है, कंसोनेंट, तो कॉपीज हो जाएगा, वाई हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे। ऐसे फ्राई, फ्राई में लास्ट में वाई दिया है लेकिन वाई से पहले आर दिया है, आर कंसोनेंट है, तो हम वाई को हटा करके उसके स्थान पर आई ई एस जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका स्पेलिंग रूल थ्री है उसमें क्या है, व्हेन एन एक्शन वर्ड एंड्स विद ए कंसोनेंट फॉलोड बाय ए वाई, चेंज द वाई टू एन आई बिफोर एडिंग ई एस। यानी ई एस जोड़ने से पहले जो वाई है, वाई को हमें आई में चेंज करना पड़ता है। ये आपका स्पेलिंग रूल थ्री हुआ। स्टूडेंट देखते हैं फोर, स्पेलिंग रूल फोर में क्या है, डबल द कंसोनेंट बिफोर एडिंग आई एन जी इन वर्ड्स दैट हैव ए शॉर्ट वोवल फॉलोड बाय ए कंसोनेंट एट द एंड। यानी किसी वर्ड के एंड में यदि कंसोनेंट दिया है और कंसोनेंट से पहले कोई वोवल दिया है, तो ऐसे वर्ड्स में यदि आप आई एन जी जोड़ेंगे तो आई एन जी जोड़ते टाइम जो आपका वो लास्ट वाला वर्ड है, यानी जो कंसोनेंट दिया हुआ है, उस कंसोनेंट को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें, जैसे स्टॉप, स्टॉप में क्या दिया है, बाद में दिया है कंसोनेंट पी लेकिन पी के पहले ओ दिया है, तो इसमें यदि हम आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्टॉपिंग। इसी तरह से रैप, रैप में क्या दिया है, बाद में पी दिया लेकिन पी से पहले वोवल ए है, तो जब हम रैपिंग करेंगे तो वो पी डबल हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप, स्टेप में क्या दिया है, अंत में दिया है पी लेकिन पी से पहले दिया है वोवल ई, तो जब हम इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो पी आपका डबल हो जाएगा। ऐसे स्लैम, स्लैमिंग हो जाएगा, नोड, नोडिंग हो जाएगा, स्किप, स्किपिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर क्या हुआ कि यदि कोई वर्ड कंसोनेंट से एंड हो रहा है, उसके पहले कोई वोवल दिया हुआ है, तो ऐसे वर्ड्स में यदि हम आई एन जी जोड़ते हैं तो आई एन जी जोड़ते टाइम हम उसमें जो कंसोनेंट है यानी लास्ट वर्ड जो है उसको डबल कर देते हैं। अभी जो स्टूडेंट्स आपके जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्हें आप खुद ट्राई करके देखिए, इसी तरह से ये भी इस रूल को फॉलो करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका रूल फोर, स्पेलिंग रूल फोर। अब देखते हैं स्पेलिंग रूल फाइव।
स्पेलिंग रूल फाइव क्या कहता है स्टूडेंट्स आपका, व्हेन ए वर्ड एंड्स इन अ साइलेंट ई, जब कोई वर्ड साइलेंट ई से एंड होता है, ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग एन आई एन जी, यानी आई एन जी जोड़ने से पहले आपको इस ई को छोड़ना पड़ेगा। ई को छोड़ देते हैं, उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं द मैजिक ई रन्स अवे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपका वर्ड है मूव, अब मूव, अब ये मूव है, ई साइलेंट है इसमें, नहीं तो क्या होना चाहिए था, मूवे होना चाहिए था, तो ई साइलेंट है, तो अब यदि इसमें हम आई एन जी जोड़ेंगे तो इस ई को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो मूविंग में मी एम ओ वी आई एन जी, एम ओ वी ई आई एन जी नहीं होगा, एम ओ वी आई एन जी मूविंग। इसी तरह से टेस्ट, टेस्ट में ई दिया हुआ है बाद में, तो जब हम इसको करेंगे तो टेस्टिंग हो जाएगा। इसी तरह से रेस, रेस में क्या हो जाएगा, रेसिंग हो जाएगा, हाइड में आपका हाइडिंग हो जाएगा, चेज में आपका चेजिंग हो जाएगा, और वाइप में आपका वाइपिंग हो जाएगा। यानी सभी में लास्ट वर्ड जो ई दिया हुआ है वो सब में साइलेंट है और ई वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो बचे हुए एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं आपको, इसमें से आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स को आई एन जी में चेंज करके देखेंगे आप, सभी में क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे बी, तो बी में ई साइलेंट है इसका भी, लेकिन जब हम इसमें आई एन जी जोड़ते हैं तो इसमें हम ई को रिमूव नहीं करते, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे रूल फाइव का एक एक्सेप्शन है। स्टूडेंट्स देखते हैं रूल सिक्स, रूल सिक्स में क्या है, व्हेन ए वर्ड एंड्स इन डबल कॉन्सोनेंट, जब कोई वर्ड डबल कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यानी बाद में दो कॉन्सोनेंट जिसके बाद में दिए होते हैं, डू नॉट डबल द लास्ट लेटर बिफोर एडिंग एन आई एन जी, तो उसमें हम आई एन जी जोड़ते टाइम कभी भी उसके लास्ट लेटर को डबल नहीं करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या है, बाद में टी दिया लेकिन उसके पहले आर दिया, यानी एंड जो हो रहा है इस वर्ड का वो डबल कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो हम इसमें आई एन जी जोड़ेंगे तो टी को डबल नहीं करेंगे। ऐसे बम्प, बम्प में क्या है, लास्ट के दो लेटर यदि हम देखें तो पी और एम है, पी और एम दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आई एन जी जोड़ते टाइम पी डबल नहीं होगा। ऐसे वॉश, वॉश में क्या है, बाद के दो लेटर एच और एस दोनों कॉन्सोनेंट है, ऐसी कॉपी और ऐसी वर्क और ऐसी डस्ट, तो इनमें आई एन जी जोड़ते टाइम हम इनको डबल नहीं करते, क्योंकि वर्ड जो है आपका वो डबल कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। और ये जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं इनको आप देखेंगे, खुद कर लेंगे। यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या होता है, द फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वाई, लीव द वाई एंड एडिंग आई एन जी, कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जो वाई से एंड हो रहे हैं, उसमें हम वाई को एंड करके क्या कर देते हैं, उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं, लीव द वाई एंड एड आई एन जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्या, आपका रूल नंबर सिक्स। स्टूडेंट्स देखते हैं रूल नंबर सेवन, रूल नंबर सेवन में क्या है, फॉर एक्शन वर्ड्स दैट एंड इन आई ई, ऐसे एक्शन वर्ड जो आई ई से एंड होते हैं, चेंज द आई ई टू ए वाई बिफोर एडिंग एन आई एन जी, ऐसे स्टूडेंट्स में, ऐसे वर्ड्स में सॉरी, ऐसे वर्ड्स में यदि हमें आई एन जी जोड़ना होता है तो जो आई ई दिया होता है हम आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, और वाई में चेंज करने के बाद फिर हम उसमें आई एन जी जोड़ देते हैं। तो फॉर एन फॉर एक्शन वर्ड्स दैट एंड इन आई ई, चेंज द आई ई टू ए वाई बिफोर एडिंग एन आई एन जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं, पहला वर्ड है आपका टाई, टाई की स्पेलिंग क्या है, टी आई ई, यानी इसके एंड में क्या हुआ, आई ई आया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यदि आपको इसमें आई एन जी जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे टी वाई आई एन जी, जैसे आपका ऊपर लाई दिया है, ब्रायन एन्जॉय लाइंग ऑन, अब देखिए यदि इस लाई को हम देखें तो इस लाई की स्पेलिंग क्या है, एल आई ई, और जब इसमें हमने आई एन जी जोड़ा तो आई ई रिमूव करके हमने क्या कर दिया, उसमें हमने वाई जोड़ दिया और फिर क्या हो गया, एल वाई आई एन जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं टाई लाई और डाई, इनको आप करके देखेंगे, ये इसी स्पेलिंग रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर एट, ऑफन एल वाई इज एडेड टू बेस
वर्ड्स टू टर्न देम इनटू एडवर्ब्स, किसी भी वर्ड को एडवर्ब में चेंज करने के लिए हम उसमें एल वाई जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड, कोई भी एडजेक्टिव हो या कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो, यदि हम उसमें क्या कर देते हैं, यदि उसमें हम एल वाई जोड़ देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका वर्ड है लव, लव को यदि आपको एडवर्ब बनाना है तो आप इसमें एल वाई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लवली। स्लो, यदि आपको इसको स्लो को एडवर्ब बनाना है तो एल वाई जोड़ दीजिए, स्लोली। ऐसे मेन, मेन को यदि आपको एडवर्ब बनाना है तो मेनली हो जाएगा। ऐसे स्मार्ट, और यदि आपको इसको एडवर्ब बनाना है तो स्मार्टली हो जाएगा। प्योर को आपको एडवर्ब बनाना है तो प्योरली हो जाएगा। नाइस को आपको एडवर्ब बनाना है तो नाइसली हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको आप खुद करके देखेंगे, ये इसी तरह से आपके रूल नंबर 8 को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है, व्हेन एडिंग एल वाई टू वर्ड्स विच एंड इन वाई, ऐसे शब्द जो वाई से ख़त्म हो रहे हैं, वाई से अंत हो रहा है जिनका, और उनको हमें एडवर्ब बनाना है, उनमें एल वाई जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं, और आई में चेंज करने के बाद फिर उनमें एल वाई जोड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए एडवर्ब पहले हमने बनाई, एल वाई जोड़ दिया हमने सीधा, लेकिन अब ये रूल्स उन वर्ड्स के लिए है जो वाई से ख़त्म होते हैं, जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में वाई वर्ड यूज होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हैप्पी, तो हैप्पी के लास्ट में वाई आया हुआ है, अब इसमें हमें एल वाई जोड़ना है क्योंकि इसको हमें एडवर्ब बनाना है, तो एडवर्ब बनाने के लिए हमें एल वाई जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में इसके वाई दिया है तो हम एल वाई नहीं जोड़ सकते, बल्कि वाई को रिमूव करके उसके स्थान पर क्या करेंगे, आई कर देंगे, तो एच ए डबल पी वाई, और जब हम उसको एडवर्ब बनाएंगे एच ए डबल पी आई एल वाई, हैप्पीली। इसी तरह से मैरी, आपका मैरीली हो जाएगा, ईजी ईजीली हो जाएगा, इस तरह से आपका बिजी विजीली हो जाएगा, ऐसे आपका प्रैटी प्रैटीली हो जाएगा, और ऐसे आपका कोजी कोजीली हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि वाई से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसमें एल वाई जोड़ने के लिए वाई को रिमूव करके उसे आई में कन्वर्ट करना होता है। ये स्टूडेंट्स आपके दिए हुए हैं वर्ड्स, आप इनको इन पे अप्लाई करके देखेंगे और इनको इसी तरह से रिमूव करके वाई और आई, और उसके बाद फिर आप इसमें वाई जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स 11 रूल देखते हैं, बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी, स्टूडेंट्स ई आर जोड़ करके हम कंपरेटिव डिग्री बनाते हैं, ई एस टी जोड़ करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ई आर जोड़ करके, जैसे वाइज वाइजर, वाइजर क्या हो गया आपका कंपरेटिव डिग्री होगी, और वाइजेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो ई आर जोड़ करके कंपरेटिव डिग्री बनाते हैं, ई एस टी जोड़ करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो 11 रूल क्या कहता है आपका, बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी टू वर्ड्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट फॉलोड बाई ए वाई, चेंज द वाई टू एन आई, यानी जिन वर्ड्स के अंत में वाई आया है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो ऐसे वर्ड में ई आर और ई एस टी जोड़ते टाइम आप वाई को हटा करके आई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए, जैसे आपका लेजी, तो लेजी किससे ख़त्म हुआ है, लेजी ख़त्म हुआ आपका वाई से, लेकिन वाई के पहले जेड आया, और जेड क्या है, कॉन्सोनेंट। तो अब जब आप इसमें ई आर जोड़ेंगे या ई एस टी जोड़ेंगे तो आप वाई को रिमूव करके उसे आई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल ए जेड वाई, और जब इसमें आपने ई आर जोड़ा तो एल ए जेड आई ई आर, और यदि आप इसमें ई एस टी जोड़ दें तब क्या हो जाता है, एल ए जेड आई ई एस टी। तो यानी जो वाई से एंड हो रहा है उसके पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो आप वाई को रिमूव करके उसे आई में कन्वर्ट करके उसमें ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं। इसी तरह से लवली का लवलीएस्ट हो जाएगा, माइटी का माइटीएस्ट हो जाएगा, और सेंटली का सेंटीएस्ट हो जाएगा, फनी का फनीयर हो जाएगा, और हैवी का हैवीएस्ट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल दिए हैं इन्हें आप ट्राई करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये उसको आपके रूल नंबर 11 को फॉलो कर पाते हैं या नहीं। सॉरी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 में क्या है, डबल द लास्ट लेटर बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी टू वर्ड्स दैट हैव ए शॉर्ट वोवल फॉलोड ए सिंगल कॉन्सोनेंट, यानी
EST और ER जोड़ते टाइम, यानी कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, यदि ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया हुआ है लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवल दिया है, तो आप जो लास्ट वर्ड होगा उसे डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? डबल कर देते हैं। जैसे फिट, देखिए फिट, फिट में लास्ट में क्या दिया? टी दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या दिया हुआ? आई दिया है। तो आई क्या है? वोवल। टी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले वोवल, तो आप टी को डबल कर देते हैं, तो फिटेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्लिम, एम दिया हुआ है लास्ट में, लेकिन एम के पहले आई दिया हुआ है, तो इसमें भी एम डबल हो जाएगा, स्लिमेस्ट। ऐसे रोब, और रोब में बी दिया हुआ है बाद में कॉन्सोनेंट, और उसके पहले वोवल दिया है ओ, तो रोबर हो जाएगा, डबल बी हो जाएगा। इसी तरह से ट्रेवल, एल लास्ट में दिया है लेकिन उसके पहले ई दिया है, ई वोवल है, तो जो आपका कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, ट्रेवलर। विनर और स्लीपर इसी तरह से इसी रूल को फॉलो करते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये आप खुद ट्राई करके देखिए और देखिए कि ये आपके रूल नंबर 12 को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स हम देखते हैं रूल नंबर 14 में क्या देखते हैं। जस्ट एड ए वाई टू वर्ड्स एंडिंग इन टू कॉन्सोनेंट्स टू फॉर्म डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी किसी को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल उसमें वाई जोड़ देते हैं। देखिए जैसे डर्ट है, अब देखिए स्टूडेंट्स डर्ट, और हमने इसको क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब जो डिस्क्राइब करता है, यानी किसी की विशेषता प्रकट करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव बनाने के लिए जस्ट उसमें क्या करते हैं, वाई जोड़ देते हैं। तो आपका जैसे वर्ड डर्ट है, तो उसको हमें एडजेक्टिव बनाने के लिए हमने वाई जोड़ दिया, डर्टी हो गया। माइट है, और माइट को हम एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमने माइटी कर दिया। थर्स्ट है, प्यास, ये नाउन है, और यदि हमने इसको एडजेक्टिव बनाना है तो थर्स्टी कर दिया। ट्रिक का ट्रिकी हो जाएगा, हेल्थ का हेल्दी हो जाएगा, और स्टैंड का स्टैंडी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड को आपको यदि एडजेक्टिव बनाना है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाना है, तो जस्ट उसमें क्या करना है, आपको वाई ऐड करना है। अब ये जो स्टूडेंट्स आपके दिए हैं, इनको आप खुद ट्राई करके देखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 14। रूल नंबर 15 देखते हैं। फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ए साइलेंट ई, यू मस्ट फर्स्ट ड्रॉप द ई बिफोर एडिंग ए वाई। अब देखिए, यानी ऐसे वर्ड को जिसमें साइलेंट ई दिया हुआ है, यदि उस वर्ड को आपको एडजेक्टिव बनाना है, तो उस वर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए उसके जो लास्ट में साइलेंट ई दिया हुआ होता है, उस साइलेंट ई को आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें वाई जोड़ करके उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। देखिए आपका जैसे पहला एग्जांपल है बोन, बोन, और बोन को आपको क्या बनाना है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो ई रिमूव करके आप वाई जोड़ देंगे, बोनी हो जाएगा। इसी तरह से आइस, आइस को यदि आपको एडजेक्टिव बनाना है, अब देखिए आइस क्या नाउन है अपने आप में, बोन क्या अपने आप में नाउन है, रोज क्या अपने आप में नाउन है, और यदि आपको एडजेक्टिव बनाना है तो बोन का बोनी, आइस का आइसी, और रोज का रोजी हो जाएगा। लेकिन तीनों कंडीशन में बोन के लास्ट में ई दिया, आइस के लास्ट में दी ई दिया, रोज के लास्ट में भी ई दिया है, तीनों कंडीशन में आपको ई रिमूव करके वाई जोड़ना पड़ेगा। बोन का बोनी, आइस का आइसी, रोज का रोजी। इसी तरह से स्मोक, स्मोक के लास्ट में ई दिया हुआ है, तो आपको उसका एडजेक्टिव बनाना है, स्मोक धुआं होता है, वो क्या नाउन, आपको उसको एडजेक्टिव बनाना है, तो स्मोकी हो जाएगा, ई रिमूव करके आप वाई लगा देंगे। इस तरह से स्टोन, स्टोन में ई दिया हुआ है, आप ई हटा करके वाई लगाएंगे, और ऐसे रेस, रेस के अंत में ई दिया हुआ है, ई हटा करके आप वाई जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में साइलेंट ई दिया होता है, यदि आप उनको एडजेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको ई रिमूव करके उसके स्थान पर वाई लगा करके उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्पेलिंग रूल 16 में क्या है स्टूडेंट्स। टू इंडिकेट पोसेशन और ऑनरशिप बाई ए पर्सन और ऑब्जेक्ट, एन अपोस्ट्रॉफी फॉलोड बाई एन एस इज एडेड। स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड को यदि आपको पोसेशन या ऑनरशिप, यानी अपना अधिकार, यदि उस पर अपना कब्जा बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, और अपोस्ट्रॉफी के बाद फिर एस का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे हॉर्स, तो क्या हो जाएगा आपका, हॉर्स का हॉर्सेज हो जाएगा, हॉर्स का हॉर्सेज, यानी अपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस। ऐसी जेनी, तो जेनीज हो जाएगा, ऑफिस ऑफिसेज हो जाएगा, बिली बिलीज हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा, और इसी तरह से नाइजल्स हो जाएगा। तो अपोस्ट्रॉफी और उसके बाद फिर एस लगा करके आप उसको क्या बना सकते हैं,
पोसेशन बना सकते हैं, पोसेसिव केस भी इसको हम कहते हैं। तो पोसेशन और ऑनरशिप इंडिकेट करने के लिए हम पोसेसिव केस का यूज़ करते हैं, तो पोसेसिव केस के लिए हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका 16-17 में क्या हुआ, टू इंडिकेट ऑनरशिप यानी वही पोसेशन के लिए बाई ए पर्सन हुज नेम एंड्स इन एस, यदि किसी का नाम एस से खत्म होता है या वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन में भी बाद में एस होता है, तो उसमें केवल हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, उसमें हम एस नहीं लगाते। जैसे पोएट्स है तो उसमें ऑलरेडी एस दिया हुआ है, तो पोएट्स का यदि हम पोसेसिव केस बनाते हैं तो उसमें केवल हमने कोमा लगाना होता है, कोमा के बाद एस का यूज़ नहीं, केवल अपोस्ट्रोफी। ऐसी गेज और ऐसी लेविस, और इस तरह से ग्लेडिस और बेबीस और रोज, तो जिनके अंत में एस दिया होता है, जिनका स्पेलिंग पार्ट एस होता है या वो प्लूरल नाउन हो, उनमें हम केवल और केवल किसका यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी पर कोमा के बाद एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप अपोस्ट्रोफी देखते हैं। तो अपोस्ट्रोफी दो तरीके से, पहले आपने 16 में देखी और अब 17 में देखते हैं। तो ये जो बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, इनको ट्राई खुद करेंगे आप। 18 देखते हैं, रूल नंबर 18 में क्या है स्टूडेंट्स, एन अपोस्ट्रोफी इज आल्सो यूज टू क्रिएट ए कॉन्ट्रेक्शन इंडिकेटिंग वेयर ए लेटर और लेटर्स हैव बीन लेफ्ट आउट। जब कोई लेटर और लेटर्स को हम लेफ्ट आउट कर देते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो तब भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लगें तो आई एम करते हैं, इस तरह से सी वुड को सीड, हु इज को हुज, दे हैड को देड, डू नॉट को डोंट और लेटस को लेट्स। तो जब हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं तो शॉर्ट में यूज़ करते टाइम भी हम अपोस्ट्रोफी वाला कोमा यूज़ करते हैं, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म के लिए हम अपोस्ट्रोफी वाले कोमा का यूज़ करते हैं, ये रूल नंबर 18। 19 में देखते हैं स्टूडेंट्स, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी, क्या कहता है इसमें, आई बिफोर ई, रूल नंबर 19 आपका कहता है कि ई से पहले आई उन केस में आता है जिनमें सी नहीं दिया होता है, और जिनके स्पेलिंग का पार्ट सी होता है तो सी के बाद आई बाद में आता है, ई पहले आता है। ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि सी को छोड़ करके कोई भी यदि लेटर है तो उसके बाद आई ई आएगा, और यदि सी स्पेलिंग पार्ट है तो उसके बाद ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। देखें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, रिलीव, तो रिलीव में क्या है, आर ई एल, एल आया है तो फिर आई ई होगा। लेकिन दूसरे में देखें हम डिसीट, इसमें सी आया तो इसमें आई पहले नहीं आएगा, इसमें ई आई आएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ई आई और आई ई दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो आई ई सी को छोड़ करके जितने भी लेटर्स हैं उनके लिए हम आई ई का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि सी आया हुआ है तो सी के बाद आई ई नहीं बल्कि ई आई आएगा। इसी तरह से वियर्ड, इसी तरह से सीलिंग, इसी तरह से वेन, और इसी तरह से आपका क्या हो गया, ग्लेशियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं इस रूल के, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, वेन में देख सकते हैं, वेन में क्या एक्सेप्शन है कि वी से शुरू हुआ है और वी के बाद हम ई आई का यूज़ कर रहे हैं, जबकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, सी के अलावा सभी में हम क्या यूज़ करते हैं, वी के अलावा सी के अलावा सब में आई ई, तो उस हिसाब से तो क्या होना चाहता है, उस हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था, वी आई ई एन होना चाहिए था क्योंकि सी वाले को छोड़ करके। लेकिन चूंकि मैंने बताया एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन यहाँ भी देखिए, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या है, यहाँ सी आया हुआ है तो सी आने का मतलब क्या है, यहाँ ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में क्या आना चाहिए, जी एल ए सी, और सी के बाद ई आई आना चाहिए, लेकिन नहीं, आई ई। तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उसमें यदि सी आया है तो ई आई आएगा, और सी के अतिरिक्त यदि कोई और लेटर आया है तो उसमें आई ई आएगा। ये स्टूडेंट्स आपका रूल नंबर 19 था, और रूल नंबर 19 में जो आपके ये वर्ड्स हैं इनको आप खुद से ट्राई करके देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे, और ध्यान दें कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स रूल नंबर 20 को देखते हैं,
कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ नेम्स एंड प्लेसेस, यानी जो आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। अब वो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। अब देखो जैसे ब्रिस्बेन है, ये स्थान का नाम है तो इसका बी कैपिटल है, ल्यूक कैपिटल होगा, मोरा कैपिटल होगा, इसी तरह से इन सभी, ये सभी प्रॉपर नाउन है और इसलिए इनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। स्टूडेंट्स बाकी जो एग्जाम्पल दिए इनको आप करके देखेंगे खुद। 21 को देखते हैं, प्रफिक्स कैन बी एडिड। प्रफिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रफिक्स होता है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में किसी लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर को जोड़ना, उसको हम प्रफिक्स कहते हैं। दो चीज़ें होती है, प्रफिक्स जो पहले जोड़ा गया, सफिक्स जो बाद में जोड़ा गया। तो हम प्रफिक्स की बात करते हैं, जो प्रफिक्स हम जोड़ते हैं, प्रफिक्स कैन बी एडिड टू बेस वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड, यानी नया वर्ड क्रिएट करने के लिए जो प्रफिक्स है वो बेस वर्ड में यूज होना चाहिए। प्रफिक्स एंडिंग इन वोवल्स आर एडेड डायरेक्टली टू बेस वर्ड, जो वोवल से एंड होते हैं उसको हम सीधा जोड़ देते हैं बेस वर्ड से। देखिए जैसे आपका जो मैंने बताया प्रफिक्स एंडिंग इन वोवल्स, जो वोवल से एंड होते हैं। अब देखिए हम प्रफिक्स क्या है, री, री किससे एंड हो रहा है, ई से, रिमूव, डी, डी फॉरेस्ट, पैरा, पैरा देखिए पैरा भी क्या है, लास्ट में क्या है पैरा के, ए, तो वो बोल दिया तो पैराशूट। इसी तरह से टेलीविजन, तो प्रफिक्स है टेली, टेली के अंत में क्या दिया, ई, और ई क्या है, वो बोल, तो टेलीविजन, री, रिगेन। तो इस तरह से जो वर्ड हैं जो वोवल से एंडिंग हो रहे हैं प्रफिक्स, उनको हम डायरेक्टली बेस वर्ड से एंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको आप ट्राई करके देखेंगे, ये था आपका 21। रूल नंबर 22 देखते हैं, समटाइम नेगेटिव प्रफिक्स आर एडेड टू वर्ड्स टू क्रिएट न्यू वर्ड एंड चेंज देयर मीनिंग। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम नेगेटिव वर्ड को, नेगेटिव प्रफिक्स को यूज़ करते हैं। नेगेटिव का मतलब जो नकारात्मक होता है, यानी जो उसके मीनिंग को जस्ट अपोजिट कर देता है। जैसे वेल, वेल के पहले हमने जो बोली अनवेल, इस तरह से मिस, डिसमिस, फियर, फियर में इनफीरियर कर दिया, स्पेल का मिस स्पेल, और पेशेंस का इम्पेशेंट, और ट्रीट का हो गया आपका मल्ट्रीट। तो ये अपोजिट सेंस वाले होते हैं इसलिए इनको नेगेटिव प्रफिक्स कहते हैं। और ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आप इनकी खुद इनको ट्राई करके देखेंगे। तो ये था आपका 22। 23 देखते हैं, स्पेलिंग रूल 23 में क्या है, प्रफिक्स कैन बी एडिड टू रूट वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, यानी प्रफिक्स जो रूट्स होते हैं उनमें लगा करके नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। रूट्स ऑफन हैव मीनिंग फ्रॉम अदर लैंग्वेज, और जो रूट्स होते हैं उनके मीनिंग अदर लैंग्वेज वाले भी हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड, ऑडिबल, प्रोसीड, अब देखिए स्टूडेंट्स इनके अपने मीनिंग अलग हैं, डिवाइड, ऑडिबल, प्रोसीड, इस तरह से इंटरसेप्ट, डिटैच और ऑटोमेटिक, तो इनके अपने मीनिंग अलग हो सकते हैं और रूट वर्ड में ही हम प्रफिक्स लगा करके नए वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका रूल 23। 24 में क्या देखते हैं, व्हेन एडिंग ए वोवल सफिक्स टू वर्ड एंडिंग इन ए साइलेंट ई, यानी ऐसे किसी वर्ड में जिसका ई, जिसके लास्ट में ई साइलेंट होता है, ऐसे वर्ड में यदि हम सफिक्स जोड़ रहे हैं, सफिक्स स्टूडेंट्स क्या है, मैंने प्रफिक्स बताया जो स्टार्टिंग में जुड़ता है वर्ड के, सफिक्स होता है जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ता है। तो जब हम एंड में जोड़ते हैं सफिक्स होता है, और ऐसे वर्ड के एंड में जोड़ते हैं जिसके लास्ट में साइलेंट ई दिया होता है, तो सफिक्स जोड़ने से पहले हम उस साइलेंट ई को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे स्टोर, स्टोर का लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट लेटर क्या है, ई, और ई क्या है, साइलेंट, नहीं तो क्या होना चाहिए था, स्टोरे होना चाहिए था। और जब हम इसमें ए जी जोड़ेंगे, ए जी ई, ये सफिक्स है, तो ए जी ई सफिक्स जोड़ने पर स्टोरेज हो जाएगा, लेकिन ए जी ई जोड़ने से पहले स्टोर का ई हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे फॉरगिव, फॉरगिव में लास्ट में ई दिया है, इसमें हम ई एन जोड़ना चाह रहे हैं सफिक्स, तो वी के बाद जो ई दिया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, फॉरगिवन हो जाएगा।
इस तरह से लाइव, लाइव में क्या है वी ई दिया हुआ, ई दिया लास्ट में, ई डी जोड़ेंगे तो लाइव हो जाएगा मैनेजर, मैनेज, और उसमें ई आर जोड़ेंगे तो मैनेजर हो जाएगा अमेज, उसमें भी लास्ट में ई दिया है, यदि हम उसमें सफिक्स आई एन जी जोड़ते हैं अमेजिंग करते हैं तो ई रिमूव होकर के आई एन जी जुड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो वर्ड जिनके लास्ट में वोवल दिया होता है और वोवल ई होता है, साइलेंट होता है, उसमें हम जब हम सफिक्स जोड़ते हैं तो ई को हम ड्रॉप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये जो वर्ड्स दिए स्टूडेंट्स इनको खुद ट्राई करेंगे। यहाँ भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स 25 रूल नंबर, रूल नंबर 25 में क्या है, द लेटर जी मे हैव ए सॉफ्ट, देखिए दो स्टूडेंट्स इसके दो चीज़ें हैं, जो लेटर जी है इसकी सॉफ्ट साउंड भी होती है, इसकी हार्ड साउंड भी होती है। जो सॉफ्ट साउंड होती है वो तब होती है जब जी बोलता है, जी का प्रोनाउंसिएशन जी होता है, और जो हार्ड साउंड होती है वो तब होती है जब जी का प्रोनाउंसिएशन गे होता है। तो गे जब होता है, जब हार्ड साउंड होती है, और जब जी होता है तब सॉफ्ट साउंड होती है। तो स्पेलिंग रूल 25 जो बता रहा है आपको वो ये बता रहा है कि द लेटर जी मे हैव ए सॉफ्ट और हार्ड साउंड, ए सॉफ्ट जी इज यूजुअली फॉलोड बाई आई और ई। जो सॉफ्ट होगा वो आई और ई के द्वारा फॉलोड होगा, और ए हार्ड इज यूजुअली फॉलोड बाई ए कॉन्सोनेंट और एन ए ओ और यू, यानी यदि कोई ए ओ और यू से यूज हो रहा है तो वो हार्ड होगा, और यदि वो आई और ई से हो रहा है तो वो उसकी जो साउंड होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। अब देखिए पहला आपका एग्जांपल है जिप्सी, अब जी के बाद क्या आया वाई, तो सॉफ्ट साउंड है उसकी जिप्सी, लेकिन जी के बाद ओ, नेक्स्ट सेंटेंस में जी के बाद क्या है ओ, ओ आते ही क्या हो गया, अब जोट नहीं हुआ ये, अब ये हो गया गोट, साउंड कैसी होगी इसकी हार्ड। ऐसे ही जी के बाद फिर से ओ आया है तो क्या होगी गूज, ये जूज नहीं हुआ। इसी तरह से जी के बाद फिर ई आ गया, तो जी के बाद जैसे ई आया तो उसकी साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट, जनरल। ऐसे जी के बाद फिर ई आया तो क्या हुआ, जेल, और ऐसे ही जी के बाद जैसे ही ओ आता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, हार्ड साउंड हो जाएगी, गोबलेट। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे, जी के बाद यदि जनरली यूजुअली आई और ई आया है तो उसकी सॉफ्ट साउंड होगी, और यदि जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया है वो ए ओ और यू है तो उसकी साउंड हार्ड हो जाती है। अब ये जो स्टूडेंट्स वर्ड्स दिए हैं इनको आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 25। स्टूडेंट्स देखते हैं रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 में सॉफ्ट साउंड होती है सी की भी, दोनों तरह की, सॉफ्ट और हार्ड साउंड होती है। जब सी का प्रोनाउंसिएशन सी होता है तो उसकी सॉफ्ट साउंड होती है, और जब सी का प्रोनाउंसिएशन के है तो उसकी हार्ड साउंड होती है। तो हार्ड साउंड कब होगी और सॉफ्ट साउंड कब होगी, देखिए व्हेन सी मीट्स एन ए ओ और यू इट्स साउंड इज हार्ड। जब सी के बाद ए ओ और यू आता है तो जो सी की साउंड्स होगी वो हार्ड होगी, यानी के होगी। कब, जब सी के बाद ए ओ और यू आता है, लेकिन यदि सी के बाद ई आई और वाई आता है तब उसकी साउंड सॉफ्ट होती है, यानी तब सी की जो साउंड होगी वो सी की तरह से होगी। देखो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं, यहाँ इस पहले एग्जांपल में सी के बाद ए आया है तो सी के बाद ए आने का मतलब उसकी हार्ड साउंड हो जाएगी, यानी यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन के की तरह से होगा, तो क्या हो गया कैंडल। कैंडल क्यों हुआ, चूंकि सी के बाद ए आया। लेकिन दूसरे में देखें सी के बाद वाई आया है, अब सी के बाद वाई आते ही उसकी सॉफ्ट साउंड हो जाती है, तब क्या हो जाएगा वो सिंबल्स, अब किम्बल्स नहीं हुआ वो सिंबल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें सी के बाद ए आ गया तो सी के बाद ए आते ही उसकी हार्ड साउंड हो जाती है, वो केव हो गया, सेव नहीं हुआ केव हो गया। इसी तरह से यहाँ देखें यदि हम सी के बाद यू आया है, सी के बाद यू आते ही उसकी हार्ड साउंड हो जाएगी, वो कडल हो जाएगा, यहाँ सडल नहीं हुआ। और सी के बाद आई आया है यानी वो बोला गया, और सी के बाद आई आने पर उसकी जो सॉफ्ट साउंड होगी वो सर्कस हो जाएगा, यहाँ कर्कस नहीं हुआ सर्कस हो जाएगा। और लास्ट में सी के बाद यू आया है, और सी के बाद यू आते ही जैसे ही सी के बाद यू आया है तो उसकी जो साउंड है
वो स्टूडेंट्स कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अब वो सरली नहीं बल्कि क्या बना, करली। तो इस तरह से सी की साउंड और सॉफ्ट और हार्ड दोनों होती है। जो ये बाकी जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप खुद ट्राई करके देखेंगे कि ये रूल नंबर 26 को फॉलो करते हैं या नहीं। देखते हैं स्टूडेंट्स स्पेलिंग रूल 27। 27 में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू स्पेल द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स इंक्लूडिंग पीपल और प्लेसेस। ये एक तरह से पहले भी आ चुका है, फिर भी आप देख लीजिए कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कैपिटल में बनते हैं और कभी भी वो स्मॉल से शुरू नहीं होते हैं। 28 का यदि हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ होमोफोन्स के बारे में बताया। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड बट ए डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। जो होमोफोन्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, होमोफोन्स वे वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन जिनका सेम होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो भी डिफरेंट होता है, जो स्पेलिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो साउंड सेम होती है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम पहला एग्जांपल देखें, रूट ROUTE, और दूसरा भी रूट है लेकिन उसकी स्पेलिंग ROOT। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट डिफरेंट और मीनिंग भी दोनों का डिफरेंट डिफरेंट। रूट का मीनिंग कुछ और होता है, ROUTE, वो वे को करता है, रास्ता मार्ग, और ROOT रूट, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है लेकिन उस रूट का अर्थ जड़ होता है। तो इस तरह से ये अलाउड अलाउड, पोज पाज, देखिए पाज पाज PAUSE इसके मीन्स होता है स्टे, ठहरना, और पाज PAWS इसके मीन्स होता है पंजा। इस तरह से प्रिंसिपल प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का मतलब हेड ऑफ द स्कूल होता है और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत थ्योरी। तो इस प्रिंसिपल को हम मेन कह सकते हैं, इसका मीन्स मेन होता है, इसका मीन्स थ्योरी होता है। ऐसे ही इसका मेड MAID, MAID किसको कहते हैं, गर्ल सर्वेंट को, लेडी सर्वेंट को कहते हैं, और इस मेड मीन्स होता है, ये मेक की सेकेंड फॉर्म है। ऐसे ही ये डेज, डेज मीन्स दिन होता है और ये भी डेज होता है। तो दोनों डेज का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों डेज की स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों डेज का जो मीनिंग है वो भी अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड्स को जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ये था आपका 28। 29 में देखते हैं स्टूडेंट्स, जो रूल नंबर आपका 29 है उसमें होमोग्राफ के बारे में बताया गया है। होमोफोन्स जैसे होते हैं कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है और मीनिंग भी अलग अलग होता है। होमोग्राफ क्या होता है, ए होमोग्राफ इज ए वर्ड दैट मे हैव मोर देन वन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। तो होमोग्राफ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग भी मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो सकता है, और प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो सकता है, यानी एक ही वर्ड है लेकिन मीनिंग अलग अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। तो ऐसे वर्ड को जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग सेम होती है, ध्यान रहे यहाँ स्पेलिंग सेम होती है। देखिए एग्जाम्पल BOW, इसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या होता है, द फ्रंट ऑफ ए शिप, यानी किसी शिप का जो फ्रंट भाग होता है उसको हम बो बोलते हैं, और जो दूसरा मीनिंग होता है उस बो मीन्स होता है टू बेंड और ए नॉट, यानी बेंड मीन्स झुक जाना, और ए नॉट यानी घुटनों के बल झुक करके किसी को बो करना। ऐसी आपका देखिए विन, ए ब्रीज, एक तो मीनिंग इसका ब्रीज होता है टू टर्न अराउंड, एक टर्न अराउंड होता है यानी मुड़ जाना होता है। ऐसे डेजर्ट, डेजर्ट टू लीव पीपल और ए ड्राई और एरिड प्लेस। तो इस तरह से जो आपका होमोग्राफ होता है वो एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होना और डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होना, उसको हम क्या कहते हैं, होमोग्राफ कहते हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट्स रूल नंबर 29। अब देखते हैं रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 में क्या होता है स्टूडेंट्स,
समटाइम्स व्हेन राइटिंग वर्ड्स मे बी शॉर्ट एंड, कभी कभी क्या करते हैं कि जो वर्ड्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं, जब हम शॉर्ट में लिखते हैं किसी वर्ड को तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं। तो एब्रीविएशन क्या होता है, किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना एब्रीविएशन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका बहुत यूज़ किया जाता है, आप लोग जो मैसेज वगैरह करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इस शॉर्ट फॉर्म का बहुत यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन जिसको हम कहते हैं। देखिए एग्जांपल किलोमीटर, बहुत लंबा वर्ड है ये किलोमीटर, लेकिन हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, KM लिख देते हैं। ऐसे सेंटीमीटर एक लंबा वर्ड है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, CM लिख देते हैं। ऐसे ऑस्ट्रेलिया एक लंबा वर्ड है, हम AUST लिख करके शॉर्ट में लिख देते हैं। ऐसे स्ट्रीट एक लंबा वर्ड है, हम इसको ST लिख देते हैं। ऐसे एनोनिमस ANON लिख करके, और एंटी मेरिडियम AM और पोस्ट मेरिडियम PM आपने खुद देखा। स्टूडेंट्स आप लिखते हैं जब प्लीज़, तो प्लीज़ को आप PLZ लिख करके छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, और किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना क्या कहलाता है, उसका एब्रीविएशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये 30 रूल्स आपके स्पेलिंग से रिलेटेड थे, और इससे जो एग्ज़ाम में आपके आने वाले रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड और राइट स्पेल्ड वर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो यूपी बोर्ड की 10th क्लास में स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए भी आते हैं, और दूसरी जो बोर्ड हैं उन दूसरे बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपके स्पेलिंग रूल्स बहुत हेल्पफुल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, और ये भी मुझे पता चले कि क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं होता, हर जगह हर समय इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी होती है, तो ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना चाहिए। स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो मेरा चैनल है, ये आप लोगों के लिए है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके, यही मेरा उद्देश्य है। तो इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स ये चैनल आपको डेडिकेटेड है, इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ, दूसरों को इसके बारे में बताएँ, और उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल से अधिक ज्ञान अर्जित कर सके। तो स्टूडेंट्स लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।